तो हेलो माइनक्राफ्ट प्लेयर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का डार्क ब्लॉक गेमिंग में। अगर आप लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आप लोगों ने कभी न कभी कवल स्टोन जनरेटर बनाया होगा। तो आज इस वीडियो में हम एक अलग टाइप का कवल स्टोन जनरेटर बनाने वाले हैं। तो गाइस, नॉर्मली हम लोग स्काई ब्लॉक के अंदर या फिर वन ब्लॉक सर्वाइवल के अंदर ये वाला कवल स्टोन जनरेटर यूज़ करते हैं, जो कि एकदम से बेकार होता है। तो अब मैं आपको एक सिंपल और ईजी कवल स्टोन जनरेटर बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो गाइज, आपको रखनी है एक चेस्ट और उसके पीछे लगाना है एक हॉपर। तो गाइज, उसके बाद आपको हॉपर के पीछे कुछ इस तरह की वॉल बनानी है। तो गाइज, बॉल बनने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इस बॉल को आपको आगे बढ़ाना है कुछ इस तरह से। तो गाइज, आपको अपने स्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लेस करना है दो ब्लॉक, और उसके बाद एक साइन यहाँ और एक साइन यहाँ पास आपको लगा देना है एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से। उसके बाद गाइस, एक ब्लॉक लगाना है यहाँ और एक ब्लॉक लगाना है इस साइड में। तो गाइस, हमारा कवल स्टोन जनरेटर बन चुका है। हमको एक साइड पर डालना है लावा। जैसे ही लावा आएगा हॉपर तक, तब हमको दूसरी साइड पर वाटर बकेट डाल देना है। तो हमारा कवल स्टोन जनरेटर तैयार हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। गाइस, अब हमको चेस्ट के आगे से 5 ब्लॉक तक आगे जाना है, और 5th ब्लॉक पर हमें खड़े हो जाना है। और फिर हमको लेना है एक पिकैक्स और जाना है सर्वाइवल मोड में। मैं जाके बताता हूँ। तो गाइस, हमारा कवल स्टोन जनरेटर बन चुका है। अब बस हमको इसके उस ब्लॉक के ऊपर एम करना है और अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। तो गाइस, सारा कवल स्टोन टूट कर इकट्ठा हो जाएगा और कोई भी ब्लॉक एक्स्ट्रा नहीं टूटेगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो बता दीजिए लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए।